वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू एजुकेशनल वीडियो। दोस्तों, इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न हल किए थे। समय की कमी की वजह से पूरा प्रश्न पत्र में सॉल्व नहीं कर पाया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में हमें एक प्रश्न दे रखा है जो कि आपके रिएक्शन मैकेनिज्म पर ही बेस्ड है। तो ये प्रश्न में हमसे क्या कहा गया दोस्तों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 5H10O कैन शो वेरियस प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर, ड्रॉ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इट। नंबर वन इज शो कैनिजारो रिएक्शन। पहले हम इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। किसी भी प्रश्न को करने से पहले, चाहे आपका कोई भी प्रश्न, आपको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको आता है लेकिन वो जल्दबाजी में पूछा कुछ और होता है और बता कुछ और आते हैं। हालांकि उनका जवाब बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन पहले आपको इसके पीछे छिपा हुआ मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हमें वेरियस प्रॉपर्टी शो करता है और ये डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यहां पर हमें प्रश्न में डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन दे रखी है। पहले हम लेते हैं कि यह कैनिजारो रिएक्शन देता है, जारो अभिक्रिया देता है, गिब्स कैनिजारो रिएक्शन। ये होगा CH3 कार्बन। अब जो हमारे पास कार्बन फंक्शन जनरेट होता है दोस्तों, इसको मैं पहले स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिख देता हूँ। आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, आप वन शॉट में लिख सकते हैं। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पहली बार में जो जनरेट हो रहा है ये है CH3 C, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, और ये आ जाएगा CH3 C, इस तरह से आ जाएगा O यहाँ पर, और ये होगा H। इसमें हम देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं हुआ है। यहाँ पर हम अब क्या कहते हैं, इसके यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। इस 2 क्यों लिखता हूँ, क्योंकि 2 लिखने से इसमें कैनिजारो रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है। अब इसको, इसका जब रिएक्शन कराता हूँ तो ये रिएक्शन इस तरह से शो होता है। ये बुक को मैं थोड़ा साइड में कर लूँ। तो अब रिएक्शन इसका इस तरह से होगा, और अब जो रिएक्शन कराए वो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में अल्कोहल कंपाउंड आफ्टर जनरेट होगा, और ये इस तरह से रिएक्शन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा OH नेगेटिव, और ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2, और ये आ जाएगा नीचे CH3 कार्बोक्सिलिक आयन का, ये आ जाएगा CH3 इस तरह से, एंड CH2 CH2 OH OH प्लस। अभी ये एक इसमें टर्म और है, इसको मैं लिख रहा हूँ। आपकी जो उत्तर पुस्तिका होती है वो आपकी वर्टिकली होती है, तो उसमें वन शॉट में सारा आ जाएगा। इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। CH3 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 यहाँ पर भी आ जाएगा CH3 CH3 C, ये इस तरह से आ जाएगा O, और ये आ जाएगा इसमें नेगेटिव। अब जो इसमें जनरेट हुआ है वो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। हाफ लाइफ पर हम देख रहे हैं हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं,
ये मैंने प्रश्न पत्र खोल लिया है और ये है आपका प्रश्न संख्या 20। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु 60 मिनट है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इट टू कंज्यूम 90% ऑफ। किसी अभिकर्मक के रिएजेंट 90% समाप्त होने तक कितना समय लेगा। तो अब इसमें जैसे हमने यहाँ पर किया था टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर बता देता हूँ 93 अपॉन टी हाफ। टी हाफ हमने दे रखा है, द हाफ लाइफ में कितना लेता है 60 मिनट हमें दे रखा है। आपस में डिवाइड कर लेना इस तरह से, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 60 का भागा दे देंगे हम 16 डिवाइड बाई 0.693। तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तब डेसिमल यहाँ पे खिसका, लेकिन इससे भी हमारा काम हुआ नहीं। फिर हमने ज़ीरो लगाया, अब क्या हम इसकी बनावट, अब इसकी बनावट हो गई 693। वन टाइम ऐसे लिख दिया मैंने, ये आ गया। ऊपर से क्या उतरा 93 उतरा, 62 जा कितना हो जाए 12 हो जाता, वन टाइम जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा। ये इसके आगे क्या ले लिया हमने 11 और इसको कर लेते हैं यहाँ पे 3 का 3 उतरा हो गया। अब क्या 6 आ जाएगा, 6 5 जा कर लेंगे, 6 पंजे 30, 5 टाइम आएगा, इसको कर लेते हैं 5, तब यहाँ पे आ जाता है 30। इसका 3 उतर गया, फिर क्या आ जाएगा 6 5 जा, 6 पंजे 30, 1155 इस तरह से आता है 1155, क्योंकि डेसिमल हमने इस तरह से लगा रखे हैं। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ के 0.01155 का इनवर्स, और ये हमारा है के का वैल्यू। टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब हम इस फॉर्मूले में के का वैल्यू रख देते हैं, होता टी बराबर 2.300 अपॉन के लॉग ए ए माइनस ए। अब ए क्या होता है इसमें, ये क्या कंज्यूम 90% कंज्यूम हो गया, कहने का मतलब है पहले कितना था ए, यहाँ पर 100 था, ए इक्वल टू 100, कितना कंज्यूम हुआ है 90% कंज्यूम हो गया है, अर्थात एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू 90। ये अब इसमें हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं 0 1 1 5 5, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अप इनटू लॉग ए क्या है 100 है, 100 अपॉन 100 माइनस 90, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको यहीं पर, अर्थात ये हो जाएगा, इसको मैं कर लेता हूँ डेसिमल के 3 जगह आगे बढ़ा देता हूँ 2 303 303, और इसको भी 1 2 3, अर्थात ये आ जाएगा 1
15.5, और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, 100 अपॉन 100 में से 90 घटाए तो आ गया 10, 10 दहम 100, ये 10 टाइम कट गया, ये हो गया लॉग 10, 3 0 3 0, और ये हो जाएगा 1 1 5 5, और ये हो जाएगा लॉग 10। इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं, 1 1 5 5 डिवाइड बाय 2 3 0 3 0, इस तरह से हो जाएगा। मैं लॉग 10 का वैल्यू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है इंटू 1। अब हमें कितना, केवल इतना ही कैलकुलेट करना है। इसको हम रफ पेज में इस तरह से कर लेंगे, पहले हम करते हैं इसमें 1 1 5 5, ये रफ पेज ही मेरा 1 1 5 5, अगर मैं इसको 2 टाइम करता हूँ तो 5 2 जा 10, ये आ जाए 2 3 1 0, यहाँ पर क्या है 2 3 0 0, तो ये 2 टाइम तो आएगा नहीं, पहले आ जाएगा इसका 1 टाइम आ गया, ये आ गया 1 1 5 5, इन दोनों को आपस में घटा दिया हमने, 0 का 0, ये आ गया इस तरह से, ये है 1 1 4 8, और ये है 1 1 5 5, यानी ये 1 टाइम भी नहीं जाएगा, और 10 टाइम अगर हम इसको कर देते हैं तो ये जाएगा 1 1 5 5 0, ये इससे कहीं ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या है 1 1 5 5 1 1 5 5, अब इसको 9 टाइम करते हैं हम, 9 5 45, हासिल लगा 4 9 5 45, 4 हासिल लगा 4, 9 1 9 10 11 12 13 13 3 हासिल लगा 1, 9 1 10 11, ये हो गया 1 1 3 9, यानी हम जब हमने 9 टाइम इसको किया 1 9 9 टाइम करने पर आ जाएगा 1 1 3 9, ये आ गया, यानी 0 0, ये आ गया 9 टाइम आ गया, ये 90 आ गया, 19 दशमलव में आ जाएगा, और इसको कर देते हैं तो 11 9 99, 8 टाइम आएगा लगभग, 99 × 8 या 9, इस तरह से आ जाता ना, ये आ गया 19.93 मिनट। अगर हम इसको 19.93 भी कह सकते हैं, अथवा राउंड मिनट, राउंड अबाउट में इसको 20 मिनट इसका सही जवाब है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको हाफ लाइफ, एज और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपके काफ़ी सारे इसमें आपके सॉल्वड एग्जाम्पल भी हैं, अनसॉल्वड भी हैं, तो इनको भी आपको अच्छी तरह से देखना है। And that's the end this episode. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thanks for staying.